नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान, और संविधान का हमारा पहला जो लेक्चर था वो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट प्रीएम्बल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब संवैधानिक विकास प्रस्तावना और संविधान सभा से संबंधित था। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है भारतीय संविधान का भाग 1, 2 और 3। इसके साथ ही हम इसके पहले इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसके क्या देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। भाग 1 में क्या है, कहां से कहां तक आर्टिकल है, भाग 2 और भाग 3 उससे संबंधित थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं अपने मुख्य महत्वपूर्ण तथ्यों को, और उसके बाद फिर हम लाएंगे एमसीक्यू में। तो शुरू करने से पहले एक बार ज़ोरदार बहुत जबरदस्त पंच के साथ, और वो पंच है आर या पार, पैदल या कार। ठीक है, चलो देखते हैं। तो भाग 1 है आपका संघ राज्य क्षेत्र, ये है आर्टिकल आपका 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद है आपका भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड है, आर्टिकल 5 से 11 तक। उसके बाद भाग 3 मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35 तक। देखो ये इतने सारे आर्टिकल्स हैं, मगर ना इसमें से सभी आर्टिकल्स हमको नहीं पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ठीक उसको हम जानते हैं। भले 1 से 4 तक भाग 1 है, मगर हम आर्टिकल 1, 2, 3 पढ़ेंगे। उसके बाद भाग 2 में आपका आर्टिकल 5 से 12 तक है, ठीक है, सॉरी 5 से 11 तक है, तो 5 से लेकर के हम 11 तक जरूर पढ़ेंगे, मगर उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद भाग 3 12 से 35 है, वहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर हम एमसीक्यू करेंगे, तो हमारी क्लास और प्लस जो अब एमसीक्यू है दोनों साथ ही साथ चलती रहेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन। तो सबसे पहले आर्टिकल्स 1 में कंटिन्यू आर्टिकल लिखा हूँ, और उसको मैं एक के फैक्ट बताते जा रहा हूँ, आप उसको नोट करते चलिए, उसको याद करते चलिए। ठीक है, तो पहला भाग, सॉरी भाग 1 में आर्टिकल पहला, तो आर्टिकल पहला क्या बोलता है, आर्टिकल पहला बोलता है आपका संघ का नाम, संघ का नाम मतलब हमारे देश का नाम क्या होगा। ठीक, तो हम अपने देश को किस नाम से जानेंगे, हम अपने देश को भारत या इंडिया के नाम से जानेंगे, तो इसके बारे में बताया है आर्टिकल 1 में संघ का नाम। ठीक है, ओके, और भारत क्या है, राज्यों का संघ है, इसके बारे में भी बताया गया है किसमें, आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ और संघ का नाम भारत या इंडिया के नाम से। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 2, तो आर्टिकल 2 बोलता है भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश, भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश, कैसे प्रवेश होगा, तो संधि से, समझौता से या युद्ध से। जैसे गोवा को हमने किससे लिया, पुर्तगाल से लिया, और पांडिचेरी को किससे लिया है, हमने फ्रांस से लिया है, तो संधि समझौते के माध्यम से हुआ है। तो भारत में नए राज्यों का जो प्रवेश होगा भारत संघ में, वो संधि समझौते या युद्ध के द्वारा किया जाएगा, ये बोलता है आर्टिकल 2 में। उसके बाद आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 बोलता है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, उनके नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन, किसके द्वारा, संसद द्वारा। ठीक, नए राज्य का निर्माण कहने का मतलब है कि वर्तमान में जो राज्य हैं उन्हीं को ही क्या करके, उनसे नए राज्यों का निर्माण करना, और नए जो राज्य हैं फिर उनका निर्माण के साथ साथ नए राज्यों में, मतलब राज्यों के नाम में परिवर्तन। जैसे उड़ीसा है तो उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा हो गया है, क्लियर। तो इसी प्रकार से राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, नए राज्यों का निर्माण करना, जैसे छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना, तो किससे कट करके बना है, एमपी से कट करके बना है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 3 के तहत है। झारखंड बना है, तेलंगाना बना है, क्लियर। तो नए राज्यों का निर्माण, उनके नाम में परिवर्तन और उनकी सीमा में परिवर्तन, ये बोलता है आर्टिकल 3, क्लियर है। आर्टिकल 4 किसी काम का नहीं है, उसी कारण इसको यहां पर मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं अपन किस में, आर्टिकल 5 में। ठीक, तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है, अब यहां से शुरू हो जाता है भाग 2 जो नागरिकता है। तो आर्टिकल 5 बोलता है नागरिकता की परिभाषा, नागरिकता की परिभाषा, ठीक
ओके। आर्टिकल 5 क्या बोलता है, नागरिकता की परिभाषा बोलता है, ठीक है। तो नागरिकता भारत में कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक, नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, 5 प्रकार से। ठीक है, 5 प्रकार से। ठीक, तो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, इससे अच्छा नहीं लिखा रहा, यही ठीक है, छोड़ो, क्लियर। तो नागरिकता कितने प्रकार से, 5 प्रकार से, कौन कौन सा, जन्म, वंश, देशीकरण, पंजीकरण और भूमि अधिग्रहण। तो 5 प्रकार से क्या प्राप्त किया जा सकती है भारत में, नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जन्म, वंश, देशीकरण, पंजीकरण और भूमि अधिग्रहण। तो 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने के बारे में बताया गया आर्टिकल 5 में। उसके बाद आर्टिकल 6, देखो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 पाकिस्तान से संबंधित है। आर्टिकल 6 क्या बोलता है, आर्टिकल 6 बोलता है कि वह व्यक्ति जिसका जन्म अविभाजित भारत की भूमि में हुआ हो और 1947 मतलब विभाजन के पश्चात वह पाकिस्तान गया हो परंतु 26 जनवरी 1950 से पहले, मतलब संविधान लागू होने से पहले अगर भारत आ गया तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। तो यहां पर आर्टिकल 6 क्या बोलता है, वापस आने पर, कहां से, पाकिस्तान से, उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी पाकिस्तान से वापस आने पर। कब तक, 26 जनवरी 1950 तक। उसके बाद आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 क्या बोलता है, ठीक, आर्टिकल 7 बोलता है कि वह व्यक्ति आर्टिकल 7 क्या बोलता है, वह व्यक्ति जिसका जन्म अविभाजित भारत की भूमि में हुआ हो, विभाजन के पश्चात तो पाकिस्तान चल दिया हो परंतु वहां से वापस ही ना आया हो, कब तक, 26 जनवरी 1950 तक, अगर वो वापस नहीं आया तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो आर्टिकल 7 क्या बोलता है, वापस ना आने पर, ठीक, वापस ना आने पर भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। कब तक नहीं आएगा, अगर 26 जनवरी 1950 तक, तो 6 बोलता है अगर वापस आ गया तो नागरिकता दी जाएगी, 7 बोलता है अगर नहीं आया तो नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है, क्लियर। तो 6-7 किससे संबंधित है, पाकिस्तान से संबंधित है, ठीक। फिर उसके बाद, एक मिनट रुको, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था लिखने में, रुक जाए एक मिनट, ठीक। वापस ना आने पर, क्लियर है, अब ठीक है, क्लियर। कभी कभी बोर्ड इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं अपन को, ठीक है। तो आर्टिकल 6 हो गया और आर्टिकल 7 हो गया। उसके बाद आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 बोलता है कि वह व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो, ठीक, उसे नागरिकता देने से संबंधित बातें हैं, मतलब भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों को भारत की नागरिकता देने के प्रावधान संबंधित बातों का वर्णन किया गया है आर्टिकल 8 में। इसी को ही हम कह सकते हैं कि दोहरी नागरिकता, क्या बोल सकते हैं अपन, दोहरी नागरिकता बोल सकते हैं, ठीक है। तो भारत से बाहर रहने वाले, मगर इसमें कौन शामिल नहीं होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता,
ठीक, मगर कौन व्यक्ति जो भारत के ही है। जैसे कोई मान लो किसी के माता पिता है, वो उसमें से माता कहाँ की है, मान लो जी माता उसकी फॉरेन की है और पिता कहाँ का है, भारत का ही है, मगर वो जा करके कहाँ बस गया है, फॉरेन में ही बस गया है। अब वहाँ पर उनके बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे को या उसके माता पिता को क्या देना, भारत की नागरिकता देना। तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों को नागरिकता से संबंधित प्रावधान है ये, ठीक है। तो कहाँ पर, भारत से बाहर, ठीक, क्लियर हो गया, आठ हो गया। उसके बाद आर्टिकल नौ, आर्टिकल नौ क्या बोलता है, नागरिकता का समापन। आर्टिकल नौ बोलता है नागरिकता का समापन। तो नागरिकता का समापन कितने प्रकार से हो सकता है, नागरिकता का समापन दो प्रकार से हो सकता है, या तो आप खुद ही छोड़ दो और या तो आप पर देशद्रोह का आरोप लगा हो। तो दो तरीके से नागरिकता क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। उसके बाद आर्टिकल 10 बोलता है नागरिकता का बना रहना, नागरिकता के नियमों का बना रहना। कौन सा आर्टिकल है ये, आर्टिकल 10, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 बोलता है कि नागरिकता का निर्धारण, नागरिकता का निर्धारण किसके द्वारा, संसद के द्वारा। तो 26 जनवरी 1950 से भारत में नागरिकता का निर्धारण करने का अधिकार किसको दे दिया गया है, संसद को दे दिया गया है। क्लियर है, ये हो गया भाग दो खत्म। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल 1 संघ का नाम, आर्टिकल 2 भारत में नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण, उनके सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, 4 किसी काम का नहीं, आर्टिकल 5 नागरिकता का परिभाषा, नागरिकता 5 प्रकार से आ सकती है, जन्म, वंश, देशीकरण, पंजीकरण और भूमि अधिग्रहण। आर्टिकल 6 वह व्यक्ति जो पाकिस्तान चल दिया हो और 26 जनवरी 1950 से पहले भारत वापस आ गया तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। 7 बोलता है अगर नहीं आया वापस तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों के नागरिकता से संबंधित प्रावधान। 9 नागरिकता का समापन, या तो खुद छोड़ दो या तो देशद्रोह का आरोप लगा हो। 10 नागरिकता के नियमों का बना रहना। और 11 नागरिकता का निर्धारण किसके द्वारा, संसद के द्वारा, ठीक है। क्लियर, ये भाग दो खत्म। अब आ जाओ भाग 3। भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, ठीक है, क्लियर। ये है आपका आर्टिकल 12 से 35 के बीच, ठीक। तो यहाँ पर अपन कंटिन्यू बस आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आर्टिकल 12 क्या बोलता है, राज्य की परिभाषा, सिर्फ इसको इतना ही जानो, राज्य की परिभाषा का वर्णन कहाँ है, आर्टिकल 12 में, राज्य की परिभाषा, ठीक है, क्लियर। मैं कोई चीज़ डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमको MCQ सॉल्व करना है, बस इसके फैक्ट चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो वो आपसे बन जाए, ठीक है, क्लियर है। तो आर्टिकल 12 नागरिकता की परिभाषा, उसके बाद आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों का संरक्षण, फंडामेंटल्स राइट का संरक्षण। ये कहता है कि हम अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई अगर छीनता है तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करे। तो फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण के बारे में बताया गया है किसमें, आर्टिकल 13 में, किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा संरक्षण होगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। उसके बाद आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता कि सभी लोग क्या हैं, कानून के बराबर हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सबके लिए कानून एक समान है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 बोलता है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, ये बोलता है आर्टिकल 15, ठीक। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन से संबंधित अधिकार, ठीक है।
तो आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन संबंधित बात करता है ये, तो आर्टिकल 16 लोक नियोजन से संबंधित अधिकार है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 17, ये बोलता है स्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कई बार व्यापम इसको पूछ चुका है इस आर्टिकल्स को, क्लियर। तो आर्टिकल 17 स्पृश्यता का अंत, उसके बाद आर्टिकल 18 उपाधि का अंत। उपाधि के अंत में यह कहा गया है कि सेना व शिक्षा को छोड़ करके किसी भी प्रकार की दी गई उपाधि को कोई व्यक्ति अपने नाम के पहले यूज नहीं करेगा। और दूसरी बात यह कही गई है कि अगर कोई विदेशों से किसी प्रकार का कोई सम्मान मिल रहा है तो उसको प्राप्त करने से पहले भारत सरकार से परमिशन लेनी जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। बिना उसके परमिशन के आप किसी विदेशों से प्राप्त किसी भी सम्मान को ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। सेना और शिक्षा को छोड़ करके ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए मुझे ही, ठीक है, मान लो क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मान लो मुझे भारत रत्न मिला, मिल सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, आज अच्छे नहीं है कल तो अच्छे बनेंगे, तो मान लो मुझे भारत रत्न मिला, ठीक। अब अगर मुझे भारत रत्न मिला है तो ऐसा नहीं है कि मेरे पापा जो हैं वो मेरे घर के बाहर जो नेम प्लेट लगेगा उसमें लिख दें भारत रत्न दिनेश पांडे, वो नहीं लिख सकते। भले मैं आपको अगर मार्केट में कहीं दिख गया तो आप बोलेंगे कि वो देखो भारत रत्न सर जा रहे हैं, भारत रत्न मिला है, भारत रत्न प्राप्त सर जा रहे हैं, आप मेरे को बोल सकते हो, ठीक, मगर मैं उसको अपने नाम के आगे यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो आर्टिकल 18 क्या बोलता है, उपाधियों का अंत सेना और शिक्षा को छोड़ करके, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 19 ये बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 19 इसी को बहुत सारे क्लाउज में बांटा गया है, जिसमें आर्टिकल 19 ए ये बोलता है मीडिया की स्वतंत्रता, इसी में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है उसको शामिल किया गया है, जो बाबाओं का जो प्रवचन चलता है ना चैनलों में, ठीक, तो उसका भी वर्णन किस में है, आपके आर्टिकल 19 ए में है। आर्टिकल 19 ए में ही भले उसको शामिल नहीं किया गया मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 ए में सूचना के अधिकार को भी क्या किया है, शामिल किया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था, ठीक है, क्लियर। तो आर्टिकल 19 ए किससे संबंधित है, मीडिया से संबंधित है। उसके बाद आर्टिकल 19 बी बोलता है हथियार विहीन रैली करना या शस्त्र विहीन रैली, आप रैली करो मगर कैसा, शस्त्र विहीन। उसके बाद आर्टिकल 19 सी बोलता है संघ बनाने की छूट, आप संघ बना सकते हो, जैसे कर्मचारी संघ होता है, शिक्षक संघ होता है, ठीक है, मजदूर संघ होता है, तो जितने सारे संघ बनते हैं ना वो कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 19 सी के तहत। आर्टिकल 19 डी बोलता है भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी घूम सकते हो मगर बिना टिकट के नहीं घूमना है, बिना टिकट के नहीं लिखा है संविधान में, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि बिना टिकट के नहीं घूमना, क्लियर, ओके। तो ऐसा नहीं कि बोल दिया कि नहीं हमको तो संविधान से छूट मिला है कहीं भी घूमने चल दो, तो ऐसा नहीं है भैया, क्लियर, बिना टिकट के नहीं करना है यात्रा। तो 19 डी क्या बोलता है, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। 19 ई बोलता है भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, मेरा मन नहीं कर रहा है बिलासपुर में तो मैं जा करके गोवा में बस गया, आई लव गोवा, गोवा पसंद है मुझे तो मैं गोवा में जा करके बस गया, मेरा मन, तो मैं कहीं भी जा करके रह सकता हूँ, वैसे ही आपका भी मन, आप कहीं भी जा करके रह सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो 19 ई क्या बोलता है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। 19 एफ को समाप्त कर दिया गया है, तो 19 एफ क्या है, शून्य घोषित है, या इसको समाप्त भी बोल सकते हैं अपन, ठीक। उसके बाद 19 जी बोलता है भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, क्लियर, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 20 बोलता है दोष सिद्ध से संबंधित संरक्षण, दोष सिद्ध से संबंधित संरक्षण या अधिकार, मतलब ये है कि जब तक किसी व्यक्ति पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता हम उसको दोषी नहीं बोल सकते, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने लिए एक वकील करने की भी क्या दी गई है,
छूट दी गई है कि वो अपने लिए क्या कर सकता है, न्याय के लिए वकील कर सकता है। तो बिना अपराध स्थिति किए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्लियर है? ठीक, उसके बाद आर्टिकल 21 बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई आप पर अटैक किया है और आप अपने सेल्फ डिफेंस को, मतलब अपने आप को बचाते हुए आपसे कोई अपराध हो जाता है, तो आप अपराधी नहीं कहलाओगे, ठीक है? बट ये कि आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि खुद की जान बचाते हुए अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है तो आप अपराधी की श्रेणी में नहीं आएंगे। बस ये है, बस अर्थ ये है कि आपको उसको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ कि उसने मेरे पर अटैक किया था। ऐसा नहीं है कि मान लो कि आप खड़े हो और कोई आपको घूर रहा है और जाकर के आप उसको मार दिए, तो क्यों मारे, क्योंकि मेरे को घूर रहा था, तो भैया उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है आपका, क्लियर है? तो खुद को बचाते हुए अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है तो अपराधी नहीं कहलाओगे, ठीक है? बस इसको सिद्ध करना पड़ेगा कोर्ट में। आर्टिकल 21, फिर उसके बाद आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो पहला तो है आपका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। इसी में कहा गया है विदेश भ्रमण का अधिकार, ठीक, यहीं पर ही है आपका निजता का अधिकार, यहीं पर है स्वच्छ जल का अधिकार, यहीं पर है आपका पसंद से, अपनी पसंद से विवाह का अधिकार भी है भैया, कि अपनी पसंद से आप क्या कर सकते हो, विवाह कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। मगर ऐसा नहीं है कि माँ बाप के खिलाफ चल दो, ठीक है? माँ बाप के खिलाफ जाकर के कोई काम नहीं करना है, ओके? हाँ, भले मौलिक अधिकार में ये कहा गया है कि अपने पसंद से विवाह कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कि बोल दिए कि नहीं मेरे को तो अधिकार है मेरा, ऐसा कुछ नहीं। अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी है लव मैरिज के कंपेयर में, मेरे को ऐसा लगता है। इसीलिए लगता है क्योंकि मान लो अरेंज मैरिज हुई, ठीक, बीबी मान लो लड़ाई झगड़ा कर दी, तो आप माँ बाप को ये बोल सकते हो भैया आप ही तो पसंद किए थे, भुगतो। और लव मैरिज में कि मान लो बीबी लड़ाई वड़ाई कर रही है तो माँ बाप बोलेंगे तू ही तो पसंद करके लाया था, अब भुगत, तो हाँ तो मुंह भी नहीं खुलेगा अपना। इसलिए अरेंज मैरिज सबसे बेस्ट चीज, ठीक है ना, ओके, सबसे बेस्ट मैरिज है वो, क्लियर है? तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, पसंद से विवाह का अधिकार, स्वस्थ वातावरण पाने का अधिकार, ठीक, ओके। तो ये सब अधिकार किसमें आ गया है, 21A में शामिल किया गया है, क्लियर है? उसके बाद आर्टिकल 22 बोलता है गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण। गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है, पहली बात। दूसरी बात यह कि आने जाने के समय को उस 24 घंटे में काउंट नहीं किया जाएगा। तीसरी बात, किसी भी महिला को शाम के समय में, मतलब अंधेरा होने पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अगर जरूरी है गिरफ्तार करना तो गिरफ्तार करने के लिए उसके साथ एक महिला पुलिस का जाना अनिवार्य है, ठीक है? तो ये बोलता है गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण के बारे में, क्लियर है? ठीक, उसके बाद आर्टिकल 23, तो आर्टिकल 23 बोलता है महिला उत्पीड़न। घरेलू हिंसा, दहेज निषेध और खरीद फरोख्त, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों की खरीद फरोख्त करना, ठीक, तो ये सब क्या है, कानूनन अपराध है। तो आर्टिकल 23 महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित है, घरेलू हिंसा शामिल है इसमें, ठीक। इसी में आपका क्या बोलते हैं, दहेज से संबंधित मैटर शामिल किया गया है, बच्चियों की, छोटी छोटी लड़कियों को जो खरीदा बेचा जाता है उस पर, उससे संबंधित बातें कही गई हैं आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 ये बोलता है बाल श्रम निषेध, कि 6 से 14 वर्ष के किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार के कारखाने में कार्य कराना कानूनन अपराध है ये, तो बाल श्रम निषेध के बारे में बात करता है आर्टिकल 24। उसके बाद आर्टिकल 25 बोलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। कोई भी हम पर दबाव डाल करके किसी भी धर्म को अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ऐसी केस चला था, केरल का केस था मेरे ख्याल से, ठीक है, जिसको लव जिहाद नाम दिया गया था। इसमें एक मुस्लिम हिंदू महिला थी कि मुस्लिम महिला थी, ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा है मेरे, ठीक है, बट ये केस था मेरे ख्याल से मुस्लिम महिला थी वो, एकदम एक्चुअल दिमाग में नहीं आ रहा है, बस इतना लव जिहाद याद आ रहा है बस। तो इसी के तहत ना सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 धर्म निरपेक्षता की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, तो आप किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को या किसी को भी, किसी पर भी दबाव बना करके आप उसके धर्म को परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है। मुस्लिम महिला थी, हाँ याद आ रहा है, मुस्लिम महिला थी और हिंदू लड़का था, तो मेरे लव मैरिज था उन दोनों का, तो चेंज करा रहे थे उसको मेरे ख्याल से, है ना। तो लव जिहाद का नाम दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये स्टेटमेंट दिया गया था और ये पूरे मैटर को लव जिहाद कहा गया, बहुत चला था न्यूज चैनल में, भयानक चला था ये, ठीक है, लव जिहाद का मैटर। तो आर्टिकल 25, उसके बाद आर्टिकल 26 बोलता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। इसी में ही कहा गया है धार्मिक जुलूस, जो धार्मिक जुलूस निकलता है ना, रैलियां निकलती है धार्मिक, तो उसके बारे में बात कहा गया, जैसे कुंभ मेला होता है, जैसे रथ यात्रा होता है, मेलाएं लगती हैं कहीं पर भी, तो उनका जो मैनेजमेंट किया जाता है उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 26 में। इसमें धार्मिक जुलूस के बारे में बताया गया, भारत में धार्मिक जुलूस निकालने की प्रथा की शुरुआत बौद्ध धर्म के द्वारा की गई थी, ठीक, और भारत में संकीर्तन प्रथा, कीर्तन करने की प्रथा का जो चलन था, ये बंगाल के एक संत थे जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, कि धार्मिक जुलूस की शुरुआत आपकी हुई थी बौद्ध धर्म से और संकीर्तन प्रथा या कीर्तन प्रथा की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया था, क्लियर है, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 27 सबसे फेवरेट आर्टिकल है मेरा, ये फेवरेट आर्टिकल इसलिए क्योंकि इसी में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों में किया गया खर्च कैसा होगा, कर मुक्त होगा, टैक्स फ्री। यहीं पर दान वर्ड का यूज किया गया है, यहीं पर चैरिटी वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है, कि अगर किसी भी धार्मिक कार्यों में कोई पैसा लग रहा है तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। तभी तो बड़े बड़े बाबा लोग क्या बन गए हैं, करोड़पति अरबपति बन के बैठे हैं। अगर कोई सत्य साईं बाबा का अगर कोई भक्त है तो कृपया मेरी बातों को बुरा ना माने। जब सत्य साईं बाबा का डेथ हुआ था, मजे की बात ये थी, मजे की बात नहीं बोल सकते सॉरी, मतलब सचिन तेंदुलकर भी उनका बहुत बड़ा भक्त है, तो 24 अप्रैल को ही उनकी डेथ हुई थी, जिस दिन सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है, 24 अप्रैल ही है, हाँ 24 अप्रैल है, डाटा बहुत कंफ्यूज करता है कभी कभी, खैर कोई बात नहीं। तो सत्य साईं बाबा का जब डेथ हो गई थी तो उनके कमरे, जब उनकी संपत्ति का आकलन किया गया ना, तो 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति निकली उनकी। भले उन्होंने धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य बहुत किया, अस्पताल बनवाया, स्कूल बनवाया, ये बनवाया, वो बनवाया, बहुत काम किया, मगर एक बाबा के पास इतनी संपत्ति बहुत बड़ी बात है। नहीं तो योग करने वाला आदमी इतने बड़ी कंपनी का मालिक कैसे हो गया, पतंजलि 10,000 करोड़ रुपए से भी बड़ी कंपनी है वो, क्लियर है। तो ये सब टैक्स फ्री है कि जितना भी धार्मिक कार्यों में पैसा लगेगा वो सब टैक्स फ्री होगा। तभी तो मंदिर में जाओगे तो सामने में भगवान से पहले एक पेटी लगा रहता है, उसमें दान लिखा रहता है, तो उसमें जो पैसा गया सब टैक्स फ्री। सोच रहा हूं बाबा ही बन जाऊं, ज्यादा कमाई है बाबा में, ठीक, क्लियर। तो आर्टिकल 27 मेरी बात को दिल पे मत लेना, क्लियर, थोड़ा सा पढ़ते समय एंजॉयमेंट करना चाहिए, एकदम गंभीर मत पढ़ा करो यार, ज़्यादा गंभीर होकर के पढ़ाई करोगे ना तो बहुत बोर हो जाओगे। थोड़ा सा हंसो, स्माइल करो, मुस्कुराइए, आप कंपटीशन कम्युनिटी के साथ हैं, वो कहते हैं ना मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं तो वैसे आप मुस्कुराइए, कंपटीशन कम्युनिटी के साथ हैं आप, तो हंस के पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, इंजॉय करो ना। दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, मगर वही हमसे नहीं होता। क्या चाहिए उसके लिए, टेबल कुर्सी, और नहीं भी रहा तो जमीन में बैठ करके पंखे नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं, इसमें तो काले भी नहीं होंगे, गोरे ही रहेंगे। और बाहर में और कोई खेल, अगर कोई और किसी और फील्ड में लाइफ बनाना है, खेलना कूदना है, तो फिर उसमें काला वाला हो जाता है आदमी, रंग उड़ जाता है। तो इतना आसान काम भी नहीं होता है हमसे, तो आसान काम है ये, एकदम मस्त इंजॉय करो, इंजॉय करके पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्लियर। तो आर्टिकल 27 धार्मिक कार्यों में किया गया खर्च कर मुक्त है। आर्टिकल 28 बोलता है कि किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी धर्म विशेष के बारे में
चर्चा नहीं की जाएगी। ये बोलता है आर्टिकल कौन सा, 28, कि धार्मिक स्थल पर धन विशेष के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। क्लियर है? ठीक। उसके बाद आर्टिकल 29 और 30 जो है वो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार कहने का मतलब है कि ये अल्पसंख्यकों की भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति, उनके नियम, इन सारी बातों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो 29 और 30 किससे संबंधित है? संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है। किसके? अल्पसंख्यकों के। ठीक है, तो आर्टिकल 29 बोलता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, किस प्रकार के हित? उनकी भाषा, उनकी लिपि, ठीक, क्लियर, इन आदि के हितों का उनके क्या करना, संरक्षण करना। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है आपका आर्टिकल 29, और आर्टिकल 30 है अल्पसंख्यकों के शिक्षा से संबंधित अधिकार। शिक्षा से संबंधित अधिकार है, ठीक है, जैसे मदरसा की स्थापना। क्लियर, तो अल्पसंख्यकों के शिक्षा से संबंधित अधिकार 30 और 29 है आपका अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 31 ये समाप्त है, क्योंकि ये था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जिसको मूल अधिकार से हटा दिया गया, और इसको हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और इसको रख दिया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 300A में, और ये बन गया हमारा अब कानूनी अधिकार। तो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार की बात करता था, जिसको समाप्त कर दिया गया है, और यहाँ पर इसको हटा करके भारतीय संविधान के आर्टिकल 300A में रखा गया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्लियर है? ठीक। उसके बाद आर्टिकल 32 है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, भारतीय संविधान की आत्मा है ये, कट रहा है कोई बात नहीं, बोल दे रहा हूं, ठीक है, याद रखो, भारतीय संविधान की क्या है ये, आत्मा है। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है और मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, और हाई कोर्ट जो होता है वो आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है। वो 5 प्रकार के रीट कौन कौन से होते हैं, तो यहां लिख दे रहा हूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, फिर उसके बाद परमादेश, उसके बाद निषेध, या इसको प्रतिषेध बोलते हैं, सॉरी प्रतिषेध लिख लो या निषेध, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक, और उसके बाद अधिकार पृच्छा। ये 5 प्रकार के रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, जिसको संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं, और 5 प्रकार के रीट जारी करता है हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। क्लियर है? ठीक। उसके बाद आर्टिकल 33, 34 और 35, ये तीनों सेना से संबंधित है। ठीक, तो 33 क्या बोलता है, आर्टिकल 33 बोलता है सेना के मौलिक अधिकार। ये इंपॉर्टेंट नहीं, मगर फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। आर्टिकल 34 बोलता है मार्शल लॉ से संबंधित, अगर देश में मार्शल लॉ लगा है तो मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है। ठीक, मगर मार्शल लॉ जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ना हमारे संविधान में इसका वर्णन है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, और आर्टिकल 35 बोलता है कि कुछ विशेष अधिकारों के संबंध में, मतलब मूल अधिकारों के संबंध में संसद के अधिकार। ठीक, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, नहीं भी याद रखोगे 33, 34, 35 तो भी चल जाएगा। ठीक है, ओके, मगर फिर भी देख लो इसको एक बार। क्लियर है? ठीक, ये था आपका भाग 3। क्लियर है? तो आर्टिकल 1 से लेकर के 35 तक है, अगर 35 नहीं भी याद रखोगे तो आर्टिकल 1 से लेकर के 32 तक जरूर याद रखना है। ठीक है, ओके, इतना याद रख लोगे तो आराम से यहां से क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपसे बनेगा। तो अब देखते हैं अपन एमसीक्यू।
चलो सीधा आ जाओ एमसीक्यू में। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के भाग एक में निम्न में से किसका वर्णन है? ऑप्शन देख लेते हैं, संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो संविधान का भाग एक है संघ राज्य क्षेत्र, भाग दो है नागरिकता, भाग तीन है मूल अधिकार और भाग चार है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, क्या होगा? ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन भाग दो, तीन, चार और पांच। तो मैं अभी अभी बताया हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग, आंसर ए हो जाएगा, दो नंबर का नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मुख्यतः मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार किस भाग में बोला गया है? तो इसका आंसर डायरेक्ट आप बता सकते हो, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभी से पहले वाला क्वेश्चन में हम तीनों की तीनों को देख लिए थे। क्लियर, मगर फिर भी मैं बता दे रहा हूं, तो इसका आंसर है कौन सा, मौलिक अधिकार किस में है? भाग तीन में है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल देख लो 32, 226, 72 और 31। तो देखो आर्टिकल 226 तो क्या बोलता है? हाई कोर्ट के बारे में, जो पांच प्रकार के रीट जारी करेगा। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति का क्षमादान है। आर्टिकल 31 जो कि समाप्त हो चुका है, वो संपत्ति का अधिकार है। तो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित। क्लियर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक उपचार के तहत उत्प्रेषण से कौन सा कथन सही है? उत्प्रेषण से संबंधित कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, यह न्यायालय के द्वारा अधिकारी को दिया गया आदेश है, यह न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार को दिया गया आदेश है, यह न्यायालय के द्वारा न्यायालय को दिया गया आदेश है। देखो पांच प्रकार के हैं, ठीक, संवैधानिक उपचार के अधिकार। क्लियर, एक है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक, एक है उत्प्रेषण, एक है प्रतिषेध, जैसी को निषेध बोलते हैं, एक है परमादेश और एक है अधिकार पृच्छा। तो देखो इसी ऑप्शन में बताता हूं, एक जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक, और दूसरा है आपका कौन सा, परमादेश, और तीसरा अधिकार पृच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार पृच्छा, ये तीनों के तीनों यह न्यायालय के द्वारा अधिकारी को दिया गया आदेश होता है, और जो उत्प्रेषण और प्रतिषेध होता है ये एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को दिया गया आदेश होता है। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध न्यायालय से संबंधित है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार पृच्छा ये न्यायालय से अधिकारी को दिया गया आदेश होता है। ठीक है, क्लियर, ओके, धन्यवाद, मतलब इसका आंसर हो जाएगा, धन्यवाद बोल रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, ओके, ध्यान में रखना। फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेशी नागरिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, एक ओसीआई दूसरे देश का नागरिक होता है, ओसीआई के पास भारत आने के लिए बहुप्रवेश दीर्घकालिक वीजा होती है, ओसीआई सभी मामलों में अप्रवासी भारतीयों के बराबर होते हैं, एक ओसीआई सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का हकदार नहीं होता। तो देखो इसका पहला सही है, ठीक, दूसरा भी सही है, क्लियर, ओके, और चौथा भी सही है। क्या सही नहीं पूछा है? तो ओसीआई सभी मामलों में प्रवासी भारतीयों के बराबर होता है, ये गलत है, क्योंकि हर प्रवासी भारतीयों को ओसीआई कार्ड नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये वाला ऑप्शन गलत बता रहा है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन तिब्बतियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है जो निम्न के बीच यहाँ पैदा हुए हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, 31 जनवरी 1960 से 31 मार्च 1990, 15 अगस्त 1947 से 30 जुलाई 1987, थोड़ा सा इंग्लिश बोल दे रहा हूँ मैं, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 और 1 जनवरी 1952 से 15 अगस्त 1990 तक। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या डेट डाला है? 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1947 के बीच पैदा हुए तिब्बतियों को नागरिकता देने की बात कही है। ठीक है, क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी नागरिकों की श्रेणी को किस वर्ष संशोधन के माध्यम से
शामिल किया गया था, कौन सी श्रेणी को? प्रवासी नागरिकों की श्रेणी को। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, 1996, 2005, 1992, 1986। ठीक, तो आंसर 2005 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा संविधान के प्रारंभ के समय में नागरिकता के प्रावधानों को शामिल करता है, मतलब नागरिकता के प्रावधानों को शामिल करता है, मतलब कि कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता के बारे में बताता है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के एकदम फटाक से आंसर नहीं देना चाहिए, पहले उस क्वेश्चन को समझो उसके बाद उसका आंसर दो, क्योंकि संविधान शब्दों का खेल है। अगर बिना शब्दों को समझे आप डायरेक्ट आंसर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? तो पहले शब्दों को पढ़ो उसके बाद उसके आंसर लिखो। ठीक है, चलो ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 4, 5, 3, 2। तो देखो, अनुच्छेद 4 तो मैं आपको बोला कि भाग एक में कोई काम का नहीं। अनुच्छेद 3 बोलता है नए राज्यों का निर्माण। ठीक, और अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश। क्लियर? तो अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 किससे संबंधित है? नागरिकता से रिलेटेड है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा कथन गलत है, पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं, मौलिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों के तहत स्वच्छ जल पाने का अधिकार दिया गया है, अपनी पसंद से विवाह करना मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है, मौलिक अधिकार के तहत व्यक्ति को अपनी निजता को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। तो कौन सा कथन गलत है, पूछ रहा है ना, तो पहले देख लेते हैं सही कौन कौन सा है। तो मौलिक अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है, ये तो गलत है भैया, पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 बने रहते हैं। मौलिक अधिकारों के तहत स्वच्छ जल पाने का अधिकार है, बिल्कुल सही। अपनी पसंद से विवाह करना मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है, बिल्कुल सही। मौलिक अधिकार के तहत व्यक्ति को अपनी निजता को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है, ये भी सही है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो गलत है, ए। अब यहां पर कोई है क्या? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2, 3 और 4 तो सही है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, सिर्फ एक ही गलत है। क्लियर है? चलो देखते हैं आगे। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो एकल नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता, दोहरी नागरिकता, अस्थायी नागरिकता। तो एकल नागरिकता दी जाती है, और ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है एकल नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक, वहाँ राज्य का अलग है और सेंट्रल का अलग है। भारत की नागरिकता एकल है, जो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 9 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पूछा। अनुच्छेद 9 क्या है? तो अनुच्छेद 9 है आपका नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है। ठीक, चलो ऑप्शन देखते हैं। एक व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छा से प्राप्त करता है वह अब भारतीय नागरिक नहीं है। बी, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार हैं। सी, कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं। डी, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो देखो, यहाँ पर पूछा है आर्टिकल 9 के बारे में। तो आर्टिकल 9 तो सीधा सा सीधा बोला है कि नागरिकता का समापन दो प्रकार से, या तो वो खुद ही छोड़ दे, ठीक, और या तो उस पर देशद्रोह का आरोप लगा हो। तो पहला ऑप्शन सटीक बैठ रहा है कि एक व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छा से प्राप्त करता है वह अब भारत का नागरिक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, चलो देखते हैं आगे। 2019 में किस वर्ष के नागरिक संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1957, 1960, 1947, 1955। देखो, जब से नागरिकता में संशोधन शुरू किया गया है 1955 से, तब से लेकर के अभी तक 6 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार? 6 बार हो चुका है। ठीक, लास्ट हुआ था 2019 में, और वो किससे संबंधित था? 1955 से संबंधित था। 2019 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम पेश किया गया था उसमें क्या प्रावधान थे? तो उसमें प्रावधान ये कहा गया था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 जगहों पर रहने वाले जो धार्मिक अल्पसंख्या हैं, धार्मिक अल्पसंख्या कहने का मतलब कि बांग्लादेश आपका मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री, ठीक, और आपका पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री। तो मुस्लिमों को छोड़ करके जो भी वहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्या हैं, जैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, फारसी हो गया, इन सबको, ठीक, इन सबको भारत में नागरिकता देने की बात कही गई थी। और ये कही गई थी कि अगर ये 2014 तक भारत आ गए हैं तो इनको भारत की क्या दी जाएगी? नागरिकता।
तीन देशों में रहने वाले, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को ठीक भारत की नागरिकता देने से संबंधित ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, क्लियर, ओके, ध्यान में रखना। तो अभी तक वर्तमान में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 6 बार हो चुका है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? ऑप्शन 3, 4, 5, 6। तो भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जन्म, वंश, देशीकरण, ठीक, पंजीकरण और भूमि अधिग्रहण। ठीक, 5 प्रकार से क्या प्राप्त की जा सकती है भारतीय नागरिकता। चलो नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? पूछ रहा है, तो 19 में पूछ रहा है कौन सा शामिल है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19 किसके बारे में बात करता है? वाक और अभिव्यक्ति। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 है। और 19 नंबर का कौन सा है आपका? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 9 न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखते हैं, कौन था वो न्यायाधीश जिसने उसको लीड किया था? जे एस खेहर, दीपक मिश्रा, एच जे कनिया, टी एस ठाकुर। तो इसका आंसर है जे एस खेहर। इन्हीं की अध्यक्षता में 9 न्यायाधीशों की कमेटी थी, मतलब पीठ थी, जिसने कहा था कि निजता, प्राइवेसी हर व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट्स है और इसको भारतीय संविधान के 21A के तहत क्या किया गया? डिफाइन किया गया। ठीक है, तो उस न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता कौन कर रहा था? जे एस खेहर कर रहे थे। क्लियर, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23 से 24, 14 से 18, 25 से 28। देखो, हमें 6 प्रकार का क्या दिया गया है, मतलब जो मूल संविधान, जब मूल संविधान था उसमें फंडामेंटल राइट्स 7 प्रकार के थे। ठीक, जिसमें से संपत्ति का अधिकार को हटाया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत। एट द प्रेजेंट वर्तमान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, 6 प्रकार से कौन कौन से हैं? एक है आपका समता का अधिकार, एक है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, एक है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, एक है संस्कृति शिक्षा का अधिकार, ठीक, और लास्ट है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हमें 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं अभी वर्तमान में। समता का जो अधिकार है वो है आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है वो है आर्टिकल 19 से 22, ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 से 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 है, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है वो आर्टिकल 29 और 30 है, ठीक, और आर्टिकल 32 क्या है आपका? संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो वर्तमान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं हमको, जिसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया। तो समानता है, समता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 के बीच, 19 से 22 है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध है और 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। तो समता का अधिकार कौन से आर्टिकल में? 14 से 18 के बीच में है। ठीक है, क्लियर, चलो, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अनुसार छुआछूत की समाप्ति क्या है? समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो छुआछूत या स्पृश्यता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 में है। और आर्टिकल 17 किसके अंतर्गत आएगा? 14 से 18 के बीच आएगा। 14 से 18 कहने का मतलब कौन सा हो जाएगा? ये समानता या समता का अधिकार। तो ये कौन सा हो जाएगा? आंसर ए, तो समता के अधिकार से संबंधित है ये। ठीक है, क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर तो नहीं हो रहे हो? आर्टिकल 19 भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 से किसका अधिकार प्रदान करता है? काम, गोपनीयता, समानता, शिक्षा। सिंपल सा है, 21 से किसको प्रदान करता है? शिक्षा को प्रदान करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण शिक्षा के अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 21 ए के दायरे का विस्तार किया गया था, तो कौन सा प्रकरण था वो जिसमें शिक्षा के अधिकार को 21 ए में शामिल किया गया। ऑप्शन देखते हैं, उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, परमानाम कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो कौन सा मैटर था वो, उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाले मैटर में ये कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सभी का अधिकार है, वो भी प्राइमरी एजुकेशन का, जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है। ये बहुत ऐतिहासिक फैसला था। और शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ, शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल सन 2010 से लागू है। कौन सी शिक्षा का कानून, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राइमरी तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी, और ये लागू हुआ 1 अप्रैल सन 2010 से। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंचने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो 22, 20, 21, 19 इसको बोलने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट मतलब सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मतलब मीडिया, मीडिया मतलब आर्टिकल 19। तो आंसर इज डी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पूछ रहा है। भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, पुरुष एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो समान कार्य के लिए समान वेतन तो आपका आर्टिकल 39 और ये राज्य के नीति निदेशक तत्व है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी सब तो हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए, संघ या संगठन कौन सा किस प्रकार का मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो संघ बनाना आपका कौन से आर्टिकल में है, संघ है आपका आर्टिकल 19 सी, और 19 सी किस में है, आपके स्वतंत्रता के अधिकार में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि किस में आ जाएगा वो, संघ और संगठन स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो कौन सा संशोधन था वो, सिंपल सा आंसर है इसका, कौन सा, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया और इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, 44वां। क्लियर है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से बोर तो नहीं हुए होगे अभी तक, ठीक, कोई जरूरत नहीं बोर और होने की, बोर थोड़ी ना होता है, एंजॉय करेगा आदमी तब तो मजा आएगा। ठीक, चलो, बेगार को पहले ऑप्शन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है, स्त्रियों के क्रय विक्रय। ऑप्शन देख लेते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो स्त्रियों का क्रय विक्रय है मतलब स्त्रियों से संबंधित जो भी मैटर है वो किसमें चल देगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 तक। ठीक है, तो ये आपके हैं आंसर बी, 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, खत्म हुआ अपना एमसीक्यू। तो एक बार थैंक यू बोला जाए, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद आप सभी का और धन्यवाद मेरा खुद का। क्लियर, देखो ये आपका सेकंड लेक्चर था। ठीक, इसमें भाग 1, 2 और 3 शामिल थे। क्लियर है, यहाँ पर अगर आपको जितना मैं अभी तक पढ़ाया इसमें अगर कोई भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है या किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा। क्लियर है, ठीक, ताकि मैं आपके उस डाउट को सॉल्व कर सकूँ। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई। और एक बात और कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जो नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, उसके बाद वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, देखो बहुत सरल तरीके से संविधान को ख़त्म करूँगा और ये पूरी परफेक्ट तैयारी के साथ ख़त्म की जाएगी इसको। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, तो नेक्स्ट बार, नेक्स्ट वीडियो में मेरी मुलाकात करते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे भाग 3 हो गया अपना, तो भाग 4 और भाग 4A। क्लियर, ठीक, उसके बाद एक अलग से एक भाग 5 का केवल एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो भाग 5 को कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो रहेगा, उसमें आपको सारे महत्वपूर्ण बातें रहेंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो। ठीक, भाग 5 वाला जो पूरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संबंधित है, संघ से संबंधित मैटर है वो। क्लियर, ठीक है, बाकी अभी जितना बता रहा हूँ उसको अच्छे से बस पढ़िए। ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, और लास्ट में जाते जाते फिर से एक बार, आर या पार, पैदल या
कार. थैंक यू सो मच.